प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा बच्चों आज हम सातवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय आठ पवन तूफान व चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आपने पहले क्या सीखा है वायु क्या है गतिशील वायु क्या कहलाती है वायु के भौतिक गुण बताइए अब हम यह देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे वायु दाब डालती है पवन का वेग और दाब में संबंध गरम किए जाने पर वायु का प्रसार होता है पवन धाराएं तूफान या तड़ित झंझा और चक्रवात चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश एवं सुरक्षा उपाय बच्चों सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पवन क्या है हम जानते ही हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है वायु की गति की मात्रा कम अथवा ज्यादा होने के कारण चारों ओर बुरा प्रभाव पड़ता है कई बार इसी वायु के अधिक मात्रा में गति के कारण बहुत नुकसान भी हो जाता है जैसे 1999 में उड़ीसा के तट पर बहुत तेज तूफान आया जिसका वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था इस तूफान के कारण हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई और इसके साथ ही कृषि परिवहन संचार और विद्युत सप्लाई भी प्रभावित हुई इन विनाशकारी तूफानों को चक्रवात कहा जाता है चक्रवात को समझने के लिए आइए पहले वायु के द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों के बारे में बात करते हैं अब हम यह जानेंगे कि वायु दाब कैसे डालती है देखिए एक बच्चा पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पतंग उड़ नहीं रही इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों पतंग इसलिए नहीं उड़ रही क्योंकि वायु पतंग से विपरीत दिशा में चल रही है पतंग को उड़ाने के लिए उसकी दिशा वायु के चलने की दिशा में ही होनी चाहिए यह गतिशील वायु ही पवन है ये पवन कैसे उत्पन्न होती है वायुमंडल में उपस्थित वायु में दाब के अंतर के कारण पवन उत्पन्न होती है बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे फेफड़े किस प्रकार वायु को खींचते और बाहर निकालते हैं जी हाँ इसका कारण भी वायु दाब ही है जो हमारे सांस खींचने से वायु को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है हमें पता है कि वायु गैसों का मिश्रण है यह गैसें पृथ्वी की सतह पर दाब डालती हैं। इस दाब को वायु का दाब कहा जाता है वायु हमारे शरीर पर भी दाब डालती है आइए इसे सिद्ध करने के लिए कि वायु दाब डालती है एक क्रियाकलाप करते हैं ढक्कन वाला एक टिन का डब्बा लीजिए इसको पानी से आधा भर लीजिए इस डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर गर्म करिए तब तक जब तक कि पानी उबलने ना लग जाए अब मोमबत्ती को बुझा दें और डिब्बे का ढक्कन बंद कर दें अब डिब्बे को सावधानी से धातु के किसी गहरे पात्र में अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है जी हां और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो गया जब डिब्बे के ऊपर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है इसके परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर का वायु दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है और दाब के इसी अंतर के कारण डब्बा पिचक जाता है बच्चों इस क्रियाकलाप से हमें यह पता लगता है कि वायु दाब डालती है। पवन का वेग एवं वायु दाब। आइए बच्चों अब हम यह देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब पर क्या असर होता है इसके लिए हम भिन्न भिन्न क्रियाकलाप करेंगे सबसे पहला क्रियाकलाप कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाएं। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज़ की गेंद को रख दें अब फूंक मारकर कागज़ की गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करें कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो बोतल के मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है इससे वहां वायु दाब कम हो जाता है बोतल के भीतर वायु का दाब उसके मुख के निकट के वायु दाब से अधिक है इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। चलिए दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे लीजिए गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए ताकि गुब्बारे भारी होकर स्थिर हो जाएं। अब इन गुब्बारों को धागे के साथ बांध दीजिए इन गुब्बारों को किसी एक छड़ से दस सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दें एक कागज की शीट को पाइप के आकार में मोड़ें और इस पाइप के द्वारा गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारें। बच्चों हम क्या देखते हैं हमने देखा जब गुब्बारों के बीच के स्थान पर फूक मारी जाती है तो वह एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूक मारने पर गुब्बारों के बीच के स्थान पर वायु का वेग बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है गुब्बारों के दूसरी ओर या बाहर की और का उन दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेलता है चलिए तीसरा क्रियाकलाप देखते हैं लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी एक कागज की पट्टी को इस चित्र में दिखाए अनुसार अपने मुंह में पकड़ें। अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूक मारिए मारते समय पट्टी को ध्यान से देखिए जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूक मारते हैं तो वह भी ऊपर की ओर उठती है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि फूक मारने से पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है और पट्टी की निचली वायु के ज्यादा दाब के कारण पट्टी ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती है तो बच्चों इन सभी क्रियाकलापों से यह सिद्ध होता है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब कम हो जाता है यही कारण है कि इमारतों और झोपड़ियों की छत के ऊपर से जब तेज वायु चलती है तो छतों को ऊपर की तरफ उठाकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है क्योंकि तेज वायु के कारण वहां वायु घर के अंदर की तुलना में कम हो जाता है और इस कारण छतें वायु के साथ उड़ जाती हैं गरम किए जाने पर वायु का प्रसार होता है बच्चों आपने देखा है धुआं हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों उड़ता है आइए इसका कारण जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें एक क्वथन नली लीजिए इस नली के मुख पर एक गुब्बारा कस कर लगाइए अब एक बीकर में गरम पानी लें गुब्बारा लगी क्वथन नली को गरम जल में रख दीजिए दो तीन मिनट तक यह देखें कि गुब्बारे के आकार में कोई परिवर्तन आता है थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गुब्बारा फूल जाता है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है और प्रसारित वायु गुब्बारे को फुला देती है अब अगर इसी परख नली को ठंडे पानी वाले बीकर में रख दें तो गुब्बारे में क्या परिवर्तन आता है देखा ठंडे पानी में रखने पर गुब्बारा पिचक गया क्यों क्योंकि यहाँ पर हवा ठंडी हो गई और उसका प्रसार कम हो गया इससे यह सिद्ध होता है कि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है वह फैलती है ज्यादा स्थान घेरती है और इसके कारण ही वायु हल्की लगती है और यही कारण है कि धुआं हमेशा ऊपर की ओर उठता है पवन धाराएं आइए बच्चों ऐसी कुछ स्थितियों की चर्चा करें जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं पैदा होती हैं। हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है क्योंकि गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित जीरो से तीस डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती हैं तो पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं जो उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग साठ डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है पावन के प्रवाह उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होती है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की तुलना में अधिक रहता है थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है और इस कारण पवन समुद्र से थल की ओर बहती है यह मानसूनी पवन होती है सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है यह थल से समुद्र की ओर बहती है समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ वाष्प लाती है जिसके कारण वर्षा होती है और यह प्रक्रम जल चक्र का ही एक चरण है आइए बच्चों अब हम तूफान तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में जानते हैं क्या आप बता सकते हैं कि खराब मौसम में आकाश में विद्युत की चमक और तेज ध्वनि क्यों सुनाई देती है आइए इसका उत्तर जानते हैं तड़ित झंझा भारत जैसे गरम, आद्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है यहाँ ताप कम होने के कारण ये बूंदें जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई जल की बूंदों और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली या तड़ित कौंधती है, जिस है। जिससे ध्वनि उत्पन्न होती और इस घटना को हम तड़ित झंझावात या तूफान कहते हैं बच्चों हमें पता है कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और जब वाष्प द्रव में संघनित होकर बूंदे बनाती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है इस ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है इस वजह से दाब कम हो जाता है इसके परिणाम स्वरूप के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं किसी भी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है और इसे झंझा का नेत्र कहा जाता है चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश चक्रवात के कारण समुद्र में तेज लहरें ऊपर की ओर उठती हैं तीव्र वेग की पवन से घरों टेलीफोन वृक्षों आदि को हानि पहुंचती है जीवन एवं संपत्ति का नुकसान होता है चक्रवातों के बारे में सामान्य जानकारी चक्रवात को अमेरिकी महाद्वीप में हरिकेन कहा जाता है फिलीपींस और जापान में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है तूफान के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वायु के वेग को को नापने वाले उपकरण वायुमापी अथवा एनिमोमीटर कहते हैं सुरक्षा उपाय चक्रवात की भविष्यवाणी व चेतावनी का ध्यान रखा जाना चाहिए तीव्र संचार व्यवस्था होनी चाहिए गिरी हुई बिजली की तारों को छूना नहीं चाहिए पड़ोसियों और मित्रों की सहायता की जानी चाहिए उन्नत तकनीकों का सही उपयोग होना चाहिए आइए बच्चों अब हम इस पाठ की दोहराई करते हैं गतिशील वायु को पवन कहते हैं वायु हमारे ऊपर एक दाब डालती है जिसे वायु दाब कहते हैं वायु गर्म किए जाने पर प्रसारित होती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का मुख्य कारण है उच्च वेग की पवन और वायुदाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं आइए बच्चों अब हम रिक्त स्थान भरते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इनके जवाब आते होंगे पहला गतिशील वायु क्या कहलाती है जी हाँ गतिशील वायु पवन कहलाती है वायु रिक्त स्थान डालती है क्या डालती है दाब डालती है पवन के वेग के बढ़ने से अधिक दाब क्या हो जाता है जी हाँ जब पवन का वेग बढ़ता है तो अधिक दाब कम हो जाता है ठंडी करने पर वायु कैसी हो जाती है जी हां ठंडी करने पर वायु संकुचित होती है पृथ्वी के भिन्न भिन्न रूपों के साथ गर्म होने के कारण क्या उत्पन्न होता है पवन धाराएं पृथ्वी के भिन्न भिन्न रूपों के साथ गर्म होने के कारण पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं अब मेरे पास आपके लिए दो प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप ढूंढिए और समझिए और लिखने की कोशिश करिए पहला प्रश्न है चक्रवात क्या होते हैं और दूसरा प्रश्न है चक्रवात के बुरे प्रभावों से सुरक्षा उपायों की सूची बनाइए बच्चों इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो बच्चों आप तंदुरुस्त रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद